इंदौर के एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मुंबई में लूट चोरी और संपत्ति संबंधित अपराधों को अंजाम देने वाले एक बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ाया बदमाश मूलतः यूपी का रहने वाला है, जो कि धार में शिक्षक बनकर फरारी काट रहा था। इंदौर एसटीएफ लगातार ऐसे अपराधियों पर नजर बनाए हुए हैं जो प्रदेश में फरारी काट रहे हैं। अब एसटीएफ ने यूपी के ऐसे ही अपराधी को धर दबोचा जो मुंबई से चोरी, लूट और संपत्ति संबंधी अपराधों में फरार था। एसटीएफ के शिकंजे में आए इस बदमाश का नाम सुनील कुशवाहा है। इसी तारतम्य में हमारे यहाँ के एएसआई अमित दीक्षित को सूचना प्राप्त हुई कि मुंबई से फरार एक आरोपी खरगोन के दिखठान में नाम बदल के रह रहा है। प्राप्त सूचना पे इंदौर से हम टीम रवाना हुई, जिसमें सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर त्रिपाठी, अमित दीक्षित तथा अन्य लोग थे। जब दिखठान गए तो वहाँ जाकर देखा कि सुनील कुशवाहा वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ा रहा है। मौके से ही सुनील कुशवाहा को पकड़कर इंदौर लाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से पता चला है कि इसके खिलाफ मुंबई में विभिन्न थानों पे संपत्ति संबंधी अपराध कायम है। सुनील धार में रह रहा था और शिक्षक बना हुआ था। एसटीएफ अब सुनील के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज।